आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके टीने लगा करके दरवाजा बंद कर करके ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे।